बढ़िया। चलो बेटा, अभी हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो पूरी केमिस्ट्री का बेस है। बिना इस टॉपिक के हम कुछ भी नहीं कर सकते केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है? तो ऐसे समझ लो जैसे इंग्लिश में ABCD है ना, जितने भी ये वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ABCDEFGHI, जो भी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं, जैसे ये हमें सीखने पड़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से पहले, हिंदी सीखने से पहले, है ना, क्या बोलते हैं उसे, वर्णमाला सीखनी पड़ती है, छोटा आ बड़ा आ। ऐसे केमिस्ट्री में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाना है अपनी केमिस्ट्री का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये टॉपिक आना चाहिए जिसका मैंने टाइटल डाला होगा, जिसका टाइटल है मोर कॉन्सेप्ट। अगर ये टॉपिक हम पे नहीं आता है तो हमें बहुत सारी समस्या होगी, ठीक है? फिर क्या होगा कि तुम कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे अच्छे से, फिर क्या होगा तुम ये नहीं बता पाओगे कि रिएक्शन कितनी प्रोसीड हुई, कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, कितना प्रोडक्ट बना, कुछ भी नहीं पता चलेगा प्रैक्टिकल डेटा। क्योंकि तुम्हें पता है जब भी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन की बात आती है तब तब मैथ इन्वॉल्व होगी फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर। तो हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? इससे पहले मैंने एटॉमिक मास, मॉलिक, ठीक है, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास, फॉर्मूला मास के ऊपर एक वीडियो बनाई है, लेकिन वो शायद उतना डिटेल में नहीं है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से सब कुछ कंक्लूड करूंगा, इसलिए ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फर्स्ट चैप्टर की। अभी तक जो पढ़ा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये ऐसे समझ लो कि नींव है हमारी आगे की पूरी केमिस्ट्री की बिल्डिंग की। अगर हमारी नींव मजबूत हुई तो पूरी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, ठीक है? स्टार्ट करें। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट में घुसने से पहले मुझे एटॉमिक मास तुम लोगों को समझाना है, तो मैं एक बार एटम की डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, मैंने यहां लिखी है, ठीक है? मैं ये सब चीजें पता होनी चाहिए मुझे, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है। पहले सबसे पहले एटम क्या होता है बेटा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कि मेरे को पानी का एक मॉलिक्यूल बनाना है ना, H2O बनाना है। तुम लोग जानते हो कि हाइड्रोजन गैस मिक्स होती है और ऑक्सीजन गैस मिक्स होती है, इसका एक मोल और इसका आधा मोल ले लो, ठीक है? तो हमें ये मिलता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम से मिलके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो देखो, क्या हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ है? नहीं हुआ सर, पहले भी दो हाइड्रोजन थे, अब भी दो हाइड्रोजन, ठीक है? पहले यहाँ पे ऑक्सीजन का आधा मोल था, अभी ऑक्सीजन का हमने यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में लिख दिया है, तो एक ही है, ठीक है? कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्लियर बेटा? इंडिविजिबल होता है, टूटता नहीं है, ये सब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। बताए तो मैं कि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। नाउ मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब कि जैसे मैंने पानी का मॉलिक्यूल बनाया, तो क्या हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के एक एक मॉलिक्यूल मिक्स हो रहे थे? तो पहले भी तो हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब नेचर के अंदर, जबकि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर नहीं करता है। मतलब हाइड्रोजन का एटम हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही रहेगा, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ रहेगा, क्योंकि स्टेबल नहीं होता है, ठीक है? तो मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो, बस इतना सा अंतर है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा, जो है हमारा एटॉमिक मास, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एटॉमिक मास। ये क्या होता है सर? आपने पिछले वीडियो में बताया था मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज एटॉमिक मास, हाँ ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू और क्वांटिटेटिव बात करते हैं कि एटॉमिक मास होता क्या है। वो तो एक डेफिनेशन बना दी हमने, ठीक है, कि एक एटम का जितना एक एटम का किसी भी एलिमेंट का एक एटम है उसका जितना मास होगा उसे एटॉमिक मास बोलते हैं। लेकिन अब प्रैक्टिकल बात कर लेना, डेटा कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मानो देखो इस नेचर के अंदर ये वजन वाली बात कैसे आई। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल है। अब मैं इस थर्मोस्टील का वेट बोल देता हूं कि मान लो ये 1 किलो की है। ये कितने की बेटा? 1 किलो की है। और मैंने इसका वेट फिक्स कर दिया। कितना फिक्स कर दी? कितना फिक्स कर रहा हूं? बोतल का वेट फिक्स कर दे रहा हूं बेटा 1 kg। अपने मन से फिक्स किया है, समझने की कोशिश करना, अपने मन से फिक्स किया है 1 किलो।
अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक कट्टे के अंदर है ना, क्या बोलते हैं, आटा भरा हुआ रखा है ना, वन बैग गेहूं रखे, ठीक है, वन बैग वीट। मुझे पूछता है कि बताओ इसका कितना होगा। ये उन दिनों की बात कर रहा हूं जब हमारे पास कोई भी वेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। तब उस समय क्या जुगाड़ किया गया, ये जुगाड़ किया गया कि किसी का वेट मान लिया 1 किलो, जैसे तुम अभी है ना, उसे वेट बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, जो दुकानदारों की दुकान पे जैसे बाट, जो बाट होते हैं इंग्लिश में, उसे वेट बोलते हैं, 1 किलो का 2 किलो का 250 ग्राम का, है ना। तो मैंने एक पर्टिकुलर लोहे का वो लिया, उसको बोल दिया ये 1 किलो। अब इसके रेफरेंस में सबका वेट कर सकता हूं। मान लो मुझे एक बैग वीट करना है, तो मैंने क्या किया, एक तराजू बनाया, ठीक है बेटा। इस तराजू में क्या कर रहा हूं, इधर इसे रख दिया मैंने, अब इधर क्या करूंगा, एक बोतल रख दी, नहीं ये झुक रहा है, 2 बोतल रख दी, 3 बोतल रख दी, 4 बोतल रख दी, पता चला मैंने 25 बोतल रख दी, ठीक है। ये वाली कौन कितनी, 25 बोतल रख दी बेटा। अब क्या होगा, 25 बोतल रखने के बाद क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो मैं बोल दूंगा इस एक कट्टे गेहूं, ये जो एक कट्टा गेहूं है हमारे पास, ठीक है, इसका बेटा वेट कितना है, 25 बोतल के बराबर है। और हमने क्या फिक्स कर रखा था, 1 बोतल का मास कितना है, 1 किलो, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा कि एक बैग वेट का मास कितना निकल आया, वेट कितना आ गया मेरे पास, 25 किलो। ये एक जुगाड़बाजी हुई, ठीक है। अभी तो क्या है, हमारे पास डिजिटल वे है कैलकुलेट करने का, लेकिन पहले नहीं होता था। तो हम क्या करते थे, रेफरेंस लेते थे, ठीक है। हमने एक आइडियल फिक्स किया, इसके रेफरेंस में हम वेट कैलकुलेट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो एटॉमिक मास में भी कुछ इसी तरीके से तुम्हें समझना है। कैसे समझना है, देखो बेटा, कि लगभग है ना 1800, लगभग 1950 तक कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था, केवल ऐसे ही रेफरेंस मान कर लिया जाता था। लेकिन 1960 में, एनसीईआरटी में साफ साफ डिजिट मेंटेन है, 1960s में क्या किया गया एटॉमिक मास के लिए, जैसे हमने एक बोतल फिक्स की थी अपने अपने लिए आइडियली, मैंने माना, ठीक है, ऐसे ही क्या किया केमिस्ट लोगों ने वेट मेजर करने के लिए। अभी तो क्या है, वो काफी सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, मास स्पेक्ट्रोमीटर है, जिससे हम डायरेक्ट वेट कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन पहले नहीं हुआ करता था। तो क्या करना, तो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने ये बोला कि मास ऑफ एन एटम, ठीक है, ये भी नहीं, पहले सबसे पहले क्या किया उन्होंने, जैसे मैंने एक स्टैंडर्ड मानी थी एक बोतल, ऐसे ही उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड एटम ले लिया, और ये जो स्टैंडर्ड एटम लिया, ये बोला कि इसका मास कितना होगा, कि 1/12 होगा किसका, मास ऑफ एन एटम ऑफ 12C। कार्बन 12 एक आइसोटोप है कार्बन का, 12C, 13C और 14C, ठीक है बेटा। उस कार्बन का वेट मास जितना भी होगा उस एटम का, उसमें डिवाइड बाय 12 कर दो, उतना एक स्टैंडर्ड एटम का वेट होगा, ठीक है। इसने एक बोतल की तरह एक फिक्स कर दिया, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट मिला क्या, कि जब मैं नाइट्रोजन एटम का वेट कर रहा था, मास ऑफ ए नाइट्रोजन एटम, तो मुझे ये प्रैक्टिकल डेटा देखने को मिला, क्या देखने को मिला, डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, 14 × 1/12 × मास ऑफ एन, तो एक 12C एटम। ऑक्सीजन का चेक किया बेटा, तो क्या मिला, 16 × फिर से ऊपर वाला, ठीक है। ये सब समझ में आ गया, अक्सर हम लोग इतने आलसी हैं कि बार बार ये कौन लिखेगा 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम और मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो क्या करने, तो क्या किया, ठीक है चलो हम समझ रहे हैं कि तुम भी आलसी हो, हम भी आलसी हैं, तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो पूरा पार्ट है, इसकी जगह एक यूनिट फिक्स कर दी, जिसे बोल दिया गया एटॉमिक मास यूनिट। क्या फिक्स कर दी बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। तो मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना हो गया, नाइट्रोजन एटम के लिए कितना हो गया बेटा, 14
एटॉमिक मास यूनिट, इसे शॉर्ट में एएमयू बोल देते हैं। तो कितना हो गया 14 एएमयू। ऑक्सीजन के लिए कितना हो गया, ओ एटम के लिए बेटा मास कितना हो जाएगा 16 एएमयू। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। अच्छा ओके बेटा देखो ये समझ में आ गया, ऑक्सीजन एटम के लिए 16 एएमयू, नाइट्रोजन एटम के लिए 14 एएमयू, ठीक है। ऐसे किसी के भी लिए निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 एएमयू इक्वल्स हमारे पास निकल के आता है 1/12 इनटू मास ऑफ ए 12c एटम। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब मैं एक काम कर सकता हूं, मैं जो वो नाइट्रोजन एटम का मास निकाल रहा था वो कितना आ रहा था 14 एएमयू आ रहा था, ठीक है। तो अगर मैं इस एएमयू की पूरी वैल्यू निकाल दूं और इसमें पुट कर दूं तो मुझे नाइट्रोजन एटम का मास मिल जाएगा एग्जैक्ट, है ना। एक डिवाइस है जिसका नाम है बेटा मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या नाम है बेटा उसका, मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या करता है, ये हमें मास ऑफ ए 12c एटम कैलकुलेट करके देता है डायरेक्ट, मास ऑफ ए 12c एटम कैलकुलेट करके देता है डायरेक्ट, ठीक है। और वो वेट कितना है हमारे पास वो भी बता देता हूं, 1.99 × 10⁻²³ ग्राम। ये एग्जैक्ट वैल्यू मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमें कैलकुलेट करके मिलती है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक है बेटा, जिसको हम स्ट्रक्चरल डेटा में एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं। वो तुम्हें हायर स्टडीज में मिलेगा, केवल अभी फिलहाल इतना ही है तुम्हारे लिए, ठीक है। यहां तक समझ में आया, अभी हम दिखाएंगे ये सब। तो मैं अब एटॉमिक मास की डेफिनेशन बना सकता हूं, एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्वांटिटेटिवली बना सकता हूं क्या। इट इज अ नंबर, लिख दो फटाफट, इट इज अ नंबर बाय विच, इट इज अ नंबर बाय विच ए which tells that an atom, it is a number by which tells that an atom is how much times heavier than, देखो ये वाली बता रहा हूं मैं, हाउ मच टाइम्स हैवियर देन 1/12 इनटू मास ऑफ ए 12c एटम। क्या ये डेफिनेशन समझ में आई, है ना। नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 14 टाइम्स, क्लियर। तो मैंने वो बस मैथमेटिकली जो है इंग्लिश में लिख दिया है, क्लियर। चलो अब यहां पे एएमयू की वैल्यू निकालेंगे फटाफट, चलो निकालो। क्या निकालेंगे, 1 एएमयू क्या हो जाएगा बेटा 1/12 इनटू मास ऑफ ए 12c एटम हमें मिल गया है, क्या है वो 1.99 × 10⁻²³ ग्राम। जब इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। समझ में आ गई ये बात, क्या मिलेगा 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। किसकी वैल्यू हो गई बेटा, एएमयू की। तो अब एक काम कर सकते हैं हम, देखो इसे हटा रहा हूं मैं, कुछ समझा देता हूं यहां पे। देयरफॉर मास ऑफ ए नाइट्रोजन एटम, ठीक है। अच्छा ये जो 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम है, अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा 1/6.023 × 10⁻²³। इसी के बराबर आएगा ये कैलकुलेट करने में। और तुम्हें पता है ये कुछ और नहीं है, भी गैड्रो नंबर है जिसे एनए बोलते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये एक दूसरा पार्ट है, ये अभी समझाऊंगा, ठीक है। इसे थोड़ा होल्ड पे रखो। मास ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या बन जाएगा बेटा, 14 × 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। एक नाइट्रोजन के एटम का वेट आ गया, या तो ये लिख दो या इसकी जगह एएमयू लिख दो। तो एटॉमिक मास जब भी मेजर करोगे एएमयू में मेजर करोगे, किसमें मेजर करोगे, एटॉमिक मास में। डेफिनेशन समझ में आ गई, ठीक है। एक चीज अब यहां पे मैं बता देता हूं, थोड़ा सा मोल के बारे में एक डेफिनेशन बतानी है मुझे, फिर मैं मोलर मास डिफाइन करूंगा, फिर मोल कॉन्सेप्ट पे आऊंगा।
ठीक है, एटॉमिक मास मेरा पार्ट हो गया। इसके बाद मैं थोड़ा सा मोल की एक चीज बता देता हूँ कि जो वन मोल होता है बेटा उसके अंदर 6.023 × 10²³ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स आयंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी के पार्टिकल हो सकते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में, एटम की फॉर्म में, कुछ भी। ठीक है, समझ में आ गया, ये बात थोड़ा सा याद रखनी। अब हम मोलर मास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, चलते नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मोलर मास। मोलर से मतलब समझ में आ रहा होगा, मैं बात कर रहा हूं एक मोल की। किसकी? एक मोल की। तो डेफिनेशन तो इजी बन गई, क्या बन गई? मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। ठीक है, एक मोल सब्सटेंस जो होगा उसका ग्राम में जो कैलकुलेशन होगा उसे हम क्या बोल देते हैं? मोलर मास। ठीक है बेटा। अच्छा, यूनिट जब हम मोलर मास की लिखते हैं तो ग्राम पर मोल लिखते हैं। क्यों ग्राम पर मोल लिखते हैं? क्योंकि एक मोल के अंदर इतने ग्राम है। क्या बोल रहा हूं? एक मोल के अंदर इतने ग्राम है, इसीलिए इसकी यूनिट ग्राम पर मोल आती है हमेशा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करें। मैं वही फिर से वही एग्जांपल लूंगा कि भाई मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें। क्या क्वेश्चन है? मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कैलकुलेट कर रहे हैं। आएगा किसमें? ग्राम पर मोल की यूनिट में आएगा, क्योंकि एक मोल के अंदर निकाल रहा है। लेकिन कैलकुलेट फाइनल यूनिट क्या आती है? ग्राम। उसे ग्राम मोलर मास भी बोलते हैं। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, सॉरी। ठीक है बेटा, कैसे निकाल सकते हैं? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, वेरी सिंपल। क्या? कि मास ऑफ ए नाइट्रोजन एटम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन वन मोल। खत्म, परेशानी खत्म। मास ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है? 14 AMU होता है सर, अभी देखा था थोड़ी देर पहले। नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल कितने होंगे? कितने होंगे? अभी बताया था एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स, एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स अभी बताया थोड़ी देर पहले, 6.023 × 10²³ पार्टिकल्स होते हैं। रख दूंगा उस वैल्यू को यहाँ 6 points। तो इसको सॉल्ट में ना Na बोलते हैं, अब एक एटम नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? Na बोलते हैं। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? Na का मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो AMU है मैंने वहां पे तुम्हें बताया था कि ये वैल्यू प्रैक्टिकली जब तुम कैलकुलेट करोगे तो 1/Na के बराबर ही आएगी। ठीक है, Na से Na कैंसिल, और ये किसमें निकालेंगे हम? इसमें निकाल रहे थे ग्राम में निकाल रहे, तो आंसर कितना आ गया? 14 ग्राम आ गया। ठीक है, 1/Na ग्राम, यहां से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, 14 ग्राम आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ गई? तो फिर सर अंतर क्या हुआ? वहां पे 14 AMU आ रहा था और यहां पे 14 ग्राम आ रहा था। ठीक है, अंतर देखो, अब छोटा सा अंतर है बस, यहीं पर समझा देता हूं मैं उस अंतर को, कि नाइट्रोजन एटम के अगर एक मोल की बात हो, ठीक है, तो आंसर आएगा बेटा कितना? 14 ग्राम। ठीक है, लेकिन एक एटम की बात हो तो आंसर आएगा बेटा 14 AMU। ये AMU की वैल्यू तुम्हें पता है, इसीलिए दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, याद रखना ये चीज, समझ में आ गई ये बात? क्योंकि ये ग्राम में निकालते हैं इसीलिए इसको ये दूसरा नाम दे देते हैं, इसे ही हम बोल देते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोल देते हैं बेटा? ग्राम एटॉमिक मास। सर आपने जो हमें पीडीएफ दी है, ठीक है, व्हाट्सएप पे जो पीडीएफ सेंड किया उसमें तो सर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा। थ्योरेटिकल ये सब चीजों की डेफिनेशन बहुत आसान है, लेकिन इसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, पूरा बेस से पता होना चाहिए कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। मगर मैं समझता हूं कि ये तुम्हें अच्छे से बैठ के कम 3 बार स्टडी करोगे तब ये सब कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में आएंगे। क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ? अब हम मॉलिक्यूलर मास की तरफ बढ़े। ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया, ठीक है,
ग्राम के टर्म में निकाल रहे हैं। जब हम एक मोल की बात कर रहे हैं तो ग्राम एटॉमिक मास, जब हम खाली एक एटम की बात कर रहे हैं तो केवल एटॉमिक मास। ठीक है, जब हम एक मोल की बात कर रहे हैं तो या तो ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे उसे या मोलर मास बोलेंगे। जब हम खाली एक एटम की बात कर रहे हैं तब उसे खाली एटॉमिक मास बोलेंगे और एटॉमिक मास यूनिट से उसे शो करेंगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट। चलो बेटा देखो, मॉलिक्यूलर मास से बोलेंगे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम है उनको ऐड कर दो तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, मैंने यहां पे कुछ एटम्स के मॉलिक्यूलर, ठीक है, कुछ के एटम्स के एटॉमिक मास लिखे हुए हैं। वो इसलिए लिखे हैं कि ये वो एटम्स हैं लगभग जो बार बार तुम्हारे साथ तुमको यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी काफी यूज करने पड़ते हैं लेकिन ये फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है, और नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी भी एटम का अगर हमें मास निकालना हो प्रैक्टिकल डेटा के लिए, ठीक है, ये तो मैं सब समझा रहा हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे सब कैलकुलेट किया उस समय समझ में आया, लेकिन अभी क्या करते हैं, सिंपल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1 हो जाता है, लेकिन लिथियम के हीलियम के लिए निकालना उसमें सिंपल 2 का मतलब एटॉमिक नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो हमें जनरली उसका एटॉमिक मास मिल जाता है। यही करते हैं हम ग्राम पर मोल में निकालने के लिए। लेकिन ये कुछ एटॉमिक मास बेटा ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास 7 होता है। होना कितना चाहिए? 6 होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वो लिख दिए, तो ये तुम्हें साइड में लिख लेनी है क्योंकि ये काफी टाइम यूज होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं H2O के एक मॉलिक्यूल के लिए वेट निकालना चाहता हूं, तो क्या करना है, सिंपल 2 × हाइड्रोजन के एक एटम में कितना मास प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, 8×2=16 कर दो, 16। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, 18 ग्राम पर मोल, क्योंकि यहां पे हम एक मोल ले रहे हैं। ठीक है, और ये वेट हमेशा ग्राम में आता है तो एक मोल के अंदर 18 ग्राम है। एक मोल के अंदर 18 ग्राम मतलब 6.023×10^23 जो पार्टिकल्स है उनका वेट है 18 ग्राम। ठीक है, जो एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स है ना H2O के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर, उनका टोटल वेट है 18 ग्राम। समझ में आ रहा है? किसी का भी निकाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल H2SO4 का निकालते हैं। ठीक है, सल्फर का मैं बता देता हूं, सल्फर का बेटा 32 होगा। ठीक है, तो 2×1 प्लस सल्फर का 1×32 ऐसे भी लिख लो उसे, मैं तो लिखता ही नहीं, 1×32 लिखने वाला था, और 4×16 तो 2+32+16 = 64। कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 98 ग्राम। एक मोल के अंदर है इसीलिए लिख दिया जाता है मोलर मास ज्यादातर। ठीक है, 98 ग्राम पर H2SO4 का वेट होता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसे तो याद कर लेना क्योंकि ये बार बार यूज होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करें बेटा। ठीक है, चलो एक चीज, अच्छा एक चीज और समझानी है। जैसे हमने अभी एटॉमिक मास के लिए AMU लिखा था, है ना, एटॉमिक मास के लिए AMU लिखा था, वैसे जैसे H2O की बात करता हूं, अगर H2O के एक एटम की बात करता हूं तो आंसर कितना आ रहा होगा, H2O के सॉरी एक एटम नहीं, ये तो पूरा मॉलिक्यूल हो गया, एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो 18 AMU लिख सकते हैं। और अगर यहां पे मैं पूरे उसकी बात कर रहा हूं, एक मोल H2O की बात कर रहा हूं, अगर एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो इतना, अगर एक मोल की बात कर रहा हूं तो कितना, 18 ग्राम। कितना बेटा, 18 ग्राम। नाउ तुम्हें पता है कि सर ये तो एटॉमिक मास यूनिट है, तो एटम के लिए यूज होनी चाहिए, कोई बात नहीं, हमने तुम्हारी बात मान ली और यहां से एटॉमिक मास को हटा के केवल यू लिख दो, मतलब यूनिफाइड मास, तो इसको हम 18U मतलब यूनिफाइड मास से भी शो कर देते हैं। तो मॉलिक्यूल आएगा तब किससे शो कर देना है, यू से शो कर देना। बात वही है जो AMU में हुआ करती थी, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, खाली ये मॉलिक्यूल है इसलिए चेंज कर दिया, एक मॉलिक्यूल का वेट इतना और H2O के एक मोल, समझने की कोशिश करना। अब देखो
ये जो बोतल है मेरे पास इसमें पानी है, हवा जा रही है, तो इस पानी को मान लो बेटा मैं एक ढक्कन इसमें से पानी देता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि खाली पानी का एक पार्टिकल है, ठीक है, इसके अंदर H2O के नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो, ऐसे ही मैं बोल रहा हूं कि जो H2O है हमारे पास उसके एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स मतलब 6.023 × 10²³ जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर वेट होता है 18 ग्राम, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से। और एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना होगा, केवल 18 U, ठीक है, और U की वैल्यू तुम्हें पता है और कुछ नहीं, क्या होती है 1.99 × 10²², ठीक है, या 1/n। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़े, एक क्वेश्चन दूं मैं तुमको। हाँ सर दीजिए, सर देखो क्वेश्चन है बेटा, देखो द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इतना, है ना, एक एटम का मास दिया हुआ, इसका मोलर मास निकालना, क्या इसे कैलकुलेट कर सकते हो, करो जल्दी। हो गया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मोलर मास निकालना है, मोलर मास निकालना है। मोलर मास क्या होता है बेटा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कोई तो हम मोलर मास बोलते हैं इन ग्राम, ये तो डेफिनेशन लिखाई थी तुम। और निकालने के लिए क्या करते हैं, मोलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मास ऑफ एन एटम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, जो कि हमेशा किसके बराबर रहेगा, किसके बराबर रहेगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, 6.023 × 10²³, ठीक है बेटा। और मास ऑफ एन एटम दिया है तुम्हें, कितना दिया है, 6.6 × 10²⁴ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिलेगा लगभग एग्जैक्टली तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन लगभग 4 ग्राम के बराबर है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से अपना मोल कंसेप्ट, ये बहुत जरूरी था ये सब चीजें तुम्हारे तुमको समझने के लिए, ठीक है, मोल कंसेप्ट स्टार्ट करें। चलो बेटा, मोल मेन फॉर्मूले पे आ रहे हैं, अब मेन कॉन्सेप्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ये मोल क्या होता है, the amount of substance which contains as many particles as present in किसमें 12 ग्राम ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, उसे हम एक मोल बोलते हैं। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से कोडने की दिमाग को जरूरत नहीं है, सिंपल इतना याद रखो कि एक मोल क्या होता है बेटा, 6.023 × 10²³ पार्टिकल्स होता है, बस ये मेन कंक्लूजन, ठीक है। फॉर्मूले हैं दो तीन फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे। पहला फॉर्मूला निकालते हैं, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला का प्लूरल क्या देता है, फॉर्मूली, है ना, फॉर्मूले प्रोनाउंसिएशन करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहीं पे आना चाहते थे हम। तुम्हें पता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमने स्टैंडर्ड IUPAC वर्सल में सेट की उनमें सातवीं है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमेशा मोल से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका सिंबल क्या होगा बेटा, MOL होगा, जब भी हम इसकी यूनिट बनाएंगे तो, ठीक है, MOL होगा। तो इसका एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, एम इक्वल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास का मतलब है जो क्वेश्चन के अंदर दिया हो, मोलर मास तुम निकाल सकते हो आराम से किसी भी मॉलिक्यूल का, अभी दिखाया था जैसे H2SO4 का निकाल रहे थे, H2O का निकाल रहे थे, हमेशा मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल लिखी जाएगी, क्योंकि हम कितने ग्राम की बात कर रहे हैं, जो कि एक मोल के अंदर प्रेजेंट थे, याद करो, ठीक है। वैसे हमेशा जो मेजर होता है वेट का वो ग्राम में होता है, लेकिन क्योंकि हम एक मोल के अंदर निकाल रहे हैं इसीलिए मोलर मास मतलब पर मोल, ठीक है। गिवन मास की यूनिट हमेशा ग्राम रहेगी, तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल की यूनिट निकालना चाहूं तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यूनिट क्या जाएगी बेटा, मोल आ जाएगी। इज इट क्लियर, ठीक है बेटा,
नेक्स्ट मूव करें। सेकंड टेक्निक क्या बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स और मोल के बीच में रिलेशन निकालना है मुझे। नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे पार्टिकल के साथ डायरेक्ट रिलेट करने तो कैसे रिलेट करूंगा। तो मैंने बोला कि एवोगैड्रो नंबर है ये, एन ए क्या है 6.023 × 10⁻²³ पार्टिकल्स इक्वल टू 1 मोल होता है, वही लिखा हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं, एन ए बोलते हैं, याद रखना है, बार बार रिपीट ना करना पड़े इतनी बड़ी डिजिट, इसलिए एन ए बोलते हैं। इतना होगा तो एक पार्टिकल के अंदर कितनी वैल्यू रहेगी बेटा, 1/NA मोल रहेगी। एन पार्टिकल्स के अंदर मुझे निकालना है, एन पार्टिकल्स के अंदर तो मैं क्या करूंगा, एन का मल्टीप्लाई कर दो इसमें 1/NA के अंदर, तो N/NA मोल हो गया। रिलेशन समझ में आ गया होगा, आ गया कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में किससे डिवाइड कर देना है बेटा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे एन पार्टिकल्स के। तो समराइज कर दूं इसे कि नंबर ऑफ मोल्स का ऊपर लिखता हूं थोड़ा सा, साइन नीचे दिख नहीं रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला बन के आ गया, वो क्या है कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये जरूरी नहीं है तुम ये फॉर्मूला याद करो, ये कंपटीशन के लिए डायरेक्ट याद होना चाहिए बस, जिससे फास्ट हो जाता है काम, अदरवाइज तुम्हें फिर से ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हर बार। ये यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसे, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, एन ए, ये एक फॉर्मूला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या देखते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अब एक शॉर्टकट बनाने जा रहा हूं मैं, क्या शॉर्टकट, एक तो इसका रिलेशन, या शॉर्टकट रहने दो, ऐसे ही समझा देता हूं। अगर मुझे मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने, ठीक से समझने की कोशिश करना कि अगर मुझे मास दिया हुआ है और क्या निकालना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, शॉर्टकट तुम्हारे सामने बना रहा हूं। देखो ऐसे ही शॉर्टकट बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अपने आप बन गए। तो मैंने मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो क्या करूंगा, मास से मोल्स कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय मोलर मास कर दूंगा। क्लियर, बन गया शॉर्टकट। अगर मुझे मोल्स से मास निकालना है तो मोलर मास कैसे मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ मोल्स में, मतलब मोल्स से मास निकालना है, गिवन मास निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कर दूं। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। ठीक है, ऐसे यहां पे भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स से एक और शॉर्टकट बना देते हैं। क्या बनेगा वो शॉर्टकट, देखो बेटा कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो मैं दिए हुए हैं, उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, मतलब ये वाला रिलेशन, यहां से यहां जाना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल्स निकाल रहे हैं, तो क्या करोगे, डिवाइड बाय एन ए कर दो, सिंपल। अगर मोल्स से, ठीक है, सॉरी, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर तुम्हें गिवन है, हाँ, तो मल्टीप्लाई बाय एन ए रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, सॉरी, डिवाइड बाय एन ए, कंफर्म, ठीक है, ये गिवन है, इसमें नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। लेकिन मोल से हमें क्या निकालना है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका और इसका, ठीक है। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल ले हैं किससे, नंबर ऑफ मोल से, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय एन। ये एक शॉर्ट ट्रिक बन गई, शॉर्टकट बन गया। लेकिन तुम्हें अगर इसकी प्रैक्टिस हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए तो ये यूज करना है, अदरवाइज सिंपल यहां से सॉल्व करते हुए जाना है, हमेशा प्रोसीजर फॉलो करना है, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। ये क्या, ये रटने वाली चीज है, जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ठीक है, जिनको ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं, मैथमेटिक्स के अंदर नहीं घुसना है, लेकिन अदरवाइज ये ही मैं हमेशा तुम्हें प्रेफर करूंगा, ठीक है। जब तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी न्यूमेरिकल्स के बाद, फिर तुम ये यूज कर सकते हो, क्योंकि फिर गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, मान लो कि पार्टिकल्स है, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, अगर एटम की बात हो रही हो, एटमिक पार्टिकल्स की बात हो रही है, तो जो कैलकुलेट करके जो पार्टिकल्स आएंगे, जो मोल्स आ रहे हैं, वो किसके आएंगे, एटॉमिक पार्टिकल्स के ही मोल आएंगे, ये याद रखना। अगर पार्टिकल कौन से हो बेटा, मॉलिक्यूल हो,
क्या हो, मॉलिक्यूल हो, तो यहां पे जो मूल साइन हो किस रहेंगे, मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके मूल साइन हो मॉलिक्यूल। क्लियर, एक दो क्वेश्चन करना है इस फॉर्मूले पे बेस्ड। एक और फॉर्मूला मुझे तुम्हें बताना था, लेकिन पहले मैं एक दो क्वेश्चन इसका करवा लेता हूं। चलो ओके बेटा, ये क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, अभी तक जो हमें नंबर ऑफ मोल के जो एक दो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनसे उनके यूजेस हैं। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं 5 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स में। दूसरा केस क्या है, 9.8 ग्राम H2SO4 में। सबसे पहले क्या करो, 5 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया कि 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, सिंपल एक एक करके सॉल्व करते चलो। पहले फर्स्ट देख रहा हूं मैं, 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा बेटा, क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, यही होगा। तो 5 मोल ऑफ H2O, 5 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एटम 5 इनटू, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर देना, Na से मल्टीप्लाई कर देना, 5NaH2O मॉलिक्यूल्स, सिंपल है, 5NaH2O मॉलिक्यूल्स। Na क्या है, Na को ओपन करके ले तो 6.023 × 10⁻²⁷ H2O मॉलिक्यूल्स। तो ये 5 मोल H2O मॉलिक्यूल में इतने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, 5 मोल H2O मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास, 5 मोल जो पड़ा है पानी का, ठीक है, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने, ठीक है, क्योंकि एक मोल के अंदर इतने रहते हैं, 5 के अंदर इतने हो गए। हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, H2O मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम देखो, 2 तो हाइड्रोजन के हैं प्लस 1 ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, मतलब टोटल कितने एटम बेटा, 3 एटम्स हैं हमारे पास, कितने हैं टोटल, कितने 3 एटम्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 3 एटम को आगे बढ़ाने के लिए, अब मैं क्या करूं, इसमें सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक H2O मॉलिक्यूल में कितने तो आ जाएगा मेरा आंसर, हां सर बिल्कुल आ जाएगा, तो 5 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल कंटेन्स 5 × Na × H2O मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, बस इसकी वैल्यू रख रहा हूं, तो एक के अंदर अगर 3 है तो इतने के अंदर कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो सिंपल एटम्स, आंसर कितने 15 Na एटम्स आ जाए। Na की वैल्यू कर दो, कैलकुलेट करना है आगे, तो 15 × 6.023 × 10⁻²³ Clear? समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखें, 9.8 ग्राम H2SO4 वाला नेक्स्ट बेटा, 9.8 ग्राम H2SO4 में कितने होंगे, ठीक है, करें सॉल्व। देखो पहले तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, है ना, ग्राम से क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर एटम्स, ऐसे प्रोसीड करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मतलब सॉरी मोलर मास लिख देता हूं तो ज्यादा क्लियर रहेगा। तो गिवन मास कितना दिया बेटा, 9.8 ग्राम दिया है, मोलर मास कितना हो जाएगा, H2SO4 का मैं तुम्हें एक बार निकाल के दिखा चुका हूं, तुम यहां पे भी निकाल सकते हो, ठीक है, 2 × 1 + 32 + 14 × 4 × 16 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है, पर मोल आएगा, तो 98 ग्राम पर मोल। तो यहां पे क्या आ रहा है, डिवाइड करोगे आंसर आएगा, ग्राम टू ग्राम कैंसिल, 0.1 मोल, ठीक है, 0.1 मोल आ गया। इसे कैलकुलेट कर देखो, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि 0.1 मोल ऑफ H2SO4, ठीक है, फिर से वही यूनिटरी मेथड कि भाई 1 मोल ऑफ H2SO4 में कितने पार्टिकल्स, है ना,
1NA पार्टिकल्स, ठीक है 1NA। अगर यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो यहाँ क्या होगा, Na ऑफ 1NA ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मोल के अंदर इतने H, इतने सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है इतने Na मॉलिक्यूल्स। देयरफॉर कितना मोल निकल गया है, 0.1 मोल के अंदर कितने होंगे, 0.1 NH2SO4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 0.1 × NaH2SO4 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब तो तुम्हारे समझ में आ रहा होगा, अब तुम्हें क्या करना है, क्या करना है कि सर एक मोल के अंदर, एक मोल H2SO4 के अंदर कितने एटम है बताओ। देखो दो तो हाइड्रोजन के हो गए प्लस एक सल्फर का हो गया और चार ऑक्सीजन के हो गए, दो तीन और चार 7 एटम्स हो गए टोटल एक मोल के अंदर। तो 0.1 के 0.1 के अंदर निकालने तो यहां पे सिंपल H2SO4 की जगह 7 रख दो और मॉलिक्यूल की जगह एटम रख दो, आंसर ठीक है। देयरफॉर 0.1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल कंटेन्स कितने बेटा, 0.1 × 7 एटम्स। अगर मॉलिक्यूल से पूछता तो ये क्वेश्चन यही खत्म था, एटम्स पूछा है इसलिए यहां तक गया। और एक चीज, एक क्लासिफिकेशन और रखूं मैं, अगर ये पूछ लेता है कि बताओ 0.1 मोल H2SO4 के अंदर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स केवल, या कितने केवल सल्फर एटम या ऑक्सीजन एटम, मतलब स्पेसिफाई करके पूछता है, तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, ठीक है क्या करना है सिंपल, ये तो ओवरऑल आया टोटल एटम्स आ गए, अगर स्पेसिफाई करके पूछ रहा होता तो क्या होता, ये नहीं होता, ठीक है ये लाइन तो आती नहीं, सिंपल आता कि भाई एक मोल ऑफ H2SO4 के अंदर अगर दो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है तो 0.1 मोल H2SO4 के अंदर, 0.1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल कंटेन्स केवल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेलेक्ट कर लो, 0.1 Na × 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो 0.2 Na हाइड्रोजन एटम्स आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, सल्फर आता तो यहां 1 एटम होता, या ऑक्सीजन आता तो यहां पर 1 ऑक्सीजन होता, क्लियर ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक मोर कॉन्सेप्ट थोड़ा गैसियस टर्म्स में और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है फिर यहां पर मोर कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। चलो बेटा नेक्स्ट बेटा थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट गैसियस टर्म्स में डिस्कस कर लेते हैं, है ना, एक और मतलब मोल नंबर ऑफ मोल्स का ये पार्ट रह गया, गैसियस वाला पार्ट, ये तो सॉल्यूशंस की बात हो गई। तो गैसियस में क्या करना है कि 1 मोल, ये याद रखना है तुम्हें, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस एट SPP रिक्वायर्स, रिक्वायर्स या कंटेन्स या ऑक्यूपाइज, कुछ भी लिख लो, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। एक मोल आइडियल गैस है, आइडियल गैस मतलब तुम लोग जानते हो थर्मो से तुमने पढ़ा है, वो गैस जिसमें कोई भी नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में नहीं लग रहा हो, आराम से फ्रीली मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हो, ठीक है वो कितने लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, 22.4 लीटर। ये STP क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब टेम्परेचर स्टैंडर्ड होता है हमेशा 273 केल्विन, याद रखना है, प्रेशर होगा हमेशा 180, ठीक है। अब एक चीज बता देता हूं मैं तुम्हें, अभी तक 12th क्लास तक के न्यूमेरिकल्स में प्रेशर स्टैंडर्ड 180 लिया जाता है, लेकिन जब तुम थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ोगे, ठीक है हायर स्टडीज में, तो ये टर्म्स चेंज हो चुके हैं, मतलब स्टैंडर्ड प्रेशर अब 180 नहीं 1 bar लिया जाता है, ठीक है ये याद रखना। और अगर यहाँ पे 1 bar होगा तो यहाँ 22.4 की जगह 22.7 लीटर आएगा, ठीक है अगर यहाँ पे 180 होगा तो 22.4 लीटर। बट 12th क्लास तक के लिए NCERT कॉम्पिटिशन मतलब IIT तक के क्वेश्चन के लिए ये ही सही करना है तुम्हें, लेकिन हायर स्टडीज में ये चेंज हो जाएगा, तो ये मत सोचना आ गया कि हमें गलत पढ़ाया, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, वैसे नॉर्मली बताते नहीं, ठीक है। और इसे बोल दिया जाता है, यही होता है बेटा 760 mm Hg के,
ठीक है। और तुम्हें पता है 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो वॉल्यूम चेंज होके भी आ सकता है, ठीक है। 10^3 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 10^-3 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। और ये 10^3 सेंटीमीटर क्यूब और कुछ नहीं, कितना है, मिलीलीटर के टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं। तो ये टर्म्स मैं तुम्हें एक बार बता चुका हूँ, इसलिए ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। कुछ क्वेश्चन कर लें, इसमें भी तुम्हें क्या फॉर्मूला याद रखना है, एन इक्वल्स, एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया गैसेस टर्म्स के लिए, इसको है ना, वन मोल ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस कुछ भी हो सकती है, मीथेन कुछ भी हो सकता है, बस हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए आइडियलिटी की। क्या कंडीशन होती है, एन इक्वल टू एन बी, क्या होता था, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन, इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए तो आइडियल गैस होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए इसके लिए फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला लगाना है, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, इसी को मोलर वॉल्यूम बोल देते हैं, ठीक है, इसी को बेटा क्या बोल देते हैं। तो मोलर वॉल्यूम हमेशा कितना होगा, 22.4 लीटर स्टैंडर्ड कंडीशन हमेशा, ये लगा, ठीक है, मोलर वॉल्यूम। इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लें, फिर हम ये टॉपिक खत्म करते हैं। सर बहुत बड़ा लेक्चर बना दिया आपने, लेकिन क्या करूं बेटा, बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए समझने के लिए, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चन कर लें, चलो ओके बेटा क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन गैस प्रेजेंट इन 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O3 गैस एट S3। डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 लीटर के बराबर होता है, ये तुम जानते हो, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये सब कन्वर्जन अभी तक खेल रहे थे बस, ठीक है, अभी यूजेस आएंगे, ऐसे कन्वर्जन होंगे। नाउ पहला सॉल्व करते हैं बेटा, आंसर नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला जो पूछा उसका फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, क्या बताया था हमने, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम एट S3। कंडीशन पुट कर दिया S3, ये वर्ड देखा मतलब सीधा मोलर वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर ही होगा, ठीक है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, गिवन वॉल्यूम कितना दिया होगा, 5.6 लीटर दिया होगा, मोलर वॉल्यूम कितना आ गया, 22.4 लीटर पर मोल, ठीक है। तो मोल n निकाल रहा हूं मतलब पर मोल तो आएगा ही, तभी तो यूनिट बन के आएगी, ठीक है। इसे कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा 0.25 मोल, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम डायरेक्ट मत लिखना, तुम्हें कैलकुलेट करना, इजी है क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो। हमेशा मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 लीटर ही रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हमने किसके, ओजोन गैस के। नाउ क्वेश्चन नंबर टू देखो, टू में क्या, फाइंड द मोल वॉल्यूम ऑफ, अब यहां पे ग्राम दिया हुआ है, हमें लीटर में जाना है। सबसे पहले क्या करो, ऑक्सीजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, गिवन क्या है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस दी हुई है, O2 गैस दी हुई है, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, रखो वैल्यू, गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना दिया हुआ है हमें बेटा, 8 दिया हुआ है, आ गया 8 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, 8 ग्राम। मोलर मास ऑक्सीजन गैस का कितना होगा, एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन एटम का 32, ठीक है, ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये क्या आ गया बेटा, 1/4 मतलब 0.25 मोल्स ऑफ O2 गैस आ गए, ठीक है। अब हमें इसको लीटर में लेके जाना है, वेरी सिंपल, दोबारा नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक है, यहां पे एट एसटीपी ऐड करना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। गिवन वॉल्यूम कितना है, कितना दिया हुआ है बेटा हमें, गिवन वॉल्यूम वही तो निकालना है, वॉल्यूम ही तो कैलकुलेट करना है, फाइंड द वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास यहां से कैलकुलेट आ गए, मोलर वॉल्यूम हमारे पास है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, गिवन वॉल्यूम जो हमें कैलकुलेट करना है एक पास कितना हो जाएगा, n इनटू मोलर वॉल्यूम, ठीक है बेटा, n कितने आ गए, 0.25 मोल्स इनटू
पॉइंट से मोल कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा इसे कैलकुलेट करके 5.6 लीटर आएगा, है ना, मोल से मोल तो कैंसिल हो गया। क्लियर, मोल कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वेरिएशंस नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, आई होप कि तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो पर्सनली हमसे पूछ सकते हो या कमेंट करके पूछ सकते हो वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो। ठीक है बेटा, थैंक यू।